दोस्तों सामने आपके खड़ी है हुंडई सेंट्रो गाड़ी और ये देख सकते हैं आपका स्पोर्ट्स वेरिएंट आ जाएगा पेट्रोल में। गाड़ी आपको अकबरपुर में खन्ना हुंडई में आपको 6,50,000 में देखने को मिलेगी। तो ये इसके ऑन रोड प्राइस आपको मिलेंगे इस गाड़ी के। और गाड़ी में हम लोग देखेंगे फीचर्स क्या क्या मिलते हैं, क्या क्या इंटीरियर में मिलते हैं, क्या एक्सटीरियर मिलता है, वो सारा हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से फ्रंट प्रोफाइल सबसे पहले आप लोग देख पा रहे होंगे गाड़ी की, तो इस तरीके का लुक आता है। टॉप सेलिंग कार रही है आपकी ये सेंट्रो। और यहाँ से देख सकते हैं बोनट का डिज़ाइन तो ये आपको मिल जाएगा, इस तरीके का टिल्ट में आपको मिलेगा। और यहाँ पे ये हल्का सा कर्व मिलता है, ये आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे हैलोजन में हेडलैम्प्स मिलते हैं और ये आपको टर्न इंडिकेटर मिलता है, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो ये क्रोम फिनिश में हुंडई का लोगो मिलेगा और ये आपका ग्रिल का लुक आ जाता है पूरा, देख पा रहे होंगे। ये ब्लैक कलर मिलेगा, यहाँ आपको साइड में आपको ये सिल्वर फिनिश आपको देखने को मिलता है, तो ये पूरा वर्क आता है। और इस जगह आपको मिल जाएगा फॉग लैम्प गाड़ी में, तो फॉग लैम्प का लुक इस तरीके का आपको देखने को मिलता है। तो अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे साइड में, तो साइड में देख सकते हैं गाड़ी में। तो यहाँ पे व्हील साइज देख पा रहे होंगे, तो सिल्वर कलर का आपको इसमें व्हील कवर मिलेगा और 14 इंचेस का आपको व्हील इसमें देखने को मिल जाएगा। ये आपको गाड़ी में बॉडी कलर का आपको ORVM मिलता है टर्न इंडिकेटर के साथ में, तो ये चीज़ इसमें देखने को मिलेगी। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो डोर हैंडल आपको मिल जाते हैं इस तरीके का, बॉडी कलर में मिलेगा। और ये आपको मिल जाएगा बैक में भी पूरा लुक इस तरीके का आएगा। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो पूरा बैक प्रोफाइल इस तरीके का आता है, यहाँ से देख सकते हैं। तो ये इस तरीके का टेल लैम्प का लुक आएगा आपको, ये अब मिल जाएगा। यहाँ पे रिवर्स पार्किंग लाइट मिलेगी और यहाँ पे टर्न इंडिकेटर मिलता है, ये मिलेगा। डुअल सेंसर आपको मिल जाते हैं रिवर्स पार्किंग के। और यहाँ पे इस तरीके का बैक में ये आपको मिरर मिलेगा, डिफॉगर वगैरह नहीं है। और यहाँ पे अपर में देख सकते हैं तो ये इस तरीके का स्पोर्टी डिज़ाइन आपको दिया जाता है। यहाँ पे हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिलता है गाड़ी में, ये मिलेगा लुक। और यहाँ पे रिफ्लेक्टर देख सकते हैं, तो ये आपको रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं बड़े से। यहाँ पे सेंट्रो की बैजिंग मिलेगी और बैक में यहाँ पे हुंडई में क्रोम फिनिश का आपको लोगो मिलेगा। यहाँ से बूट ओपनिंग का की से आपको एंट्री मिल जाती है। तो यहाँ पे और यहाँ पे देखते हैं गाड़ी में, तो इस जगह ये साइड प्रोफाइल आ जाता है इस तरीके का, ये आपका साइड प्रोफाइल आता है गाड़ी का। यहाँ पे सर्कल डिज़ाइन में फ्यूल टैंक का ऑप्शन मिलता है यहाँ पे। और चलते हैं अभी हम लोग गाड़ी के अंदर और देखते हैं इंटीरियर में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, वो सारे हम लोग देखेंगे। और गाड़ी में यहाँ पे आगे साइड में देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे अपर में आपको ये एक रेडियो एंटीना देखने को मिल जाता है ब्लैक कलर का। तो चलिए गाड़ी को ओपन करते हैं यहाँ से और इस तरीके से देखते हैं क्या लुक मिलता है। कीज़ आप लोग देख लीजिए, तो दो आपको कीज़ मिल जाती हैं, एक आपको पावर की मिलेगी और एक ये अनलॉक की मिल जाती है मैनुअली। यहाँ से देख पा रहे होंगे इसमें आपको दो बटनें मिल जाती हैं, तो आप इसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। लॉक अनलॉक का दो बटन आपको मिल जाता है, तो इस तरीके से आप लोग इसको अनलॉक कर देंगे और यहाँ से लॉक हो जाएगी आपकी। तो ये आपको बटन इसमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे डुअल टोन में आपको डोर का लुक मिलेगा, इसमें पीच कलर का वर्क ज़्यादा है। यहाँ पे आपको लॉक का बटन ब्लैक कलर में मिलेगा, ये आपको ग्रैब हैंडल ब्लैक कलर मिलता है। यहाँ पे बॉटल स्टोर मिल जाएगा और ये ब्लैक कलर में आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पे स्पीकर आपको देखने को मिलता है गाड़ी में, इस तरीके का यहाँ पे डिज़ाइन दिया जाता है। इंटीरियर का लुक देख लीजिए, तो ये आपको मिल जाता है इंटीरियर का लुक पूरा इस तरीके का। और ये आपको देख सकते हैं सीट्स, तो ये आपको सॉफ्ट टच में सीट्स मिल जाती हैं, ये आपको थोड़ा सा हार्ड में मिलेगा अंडर थाई रेस्ट। और यहाँ पर देख सकते हैं फिक्स्ड आपको हेडरेस्ट बोथ साइड में देखने को मिलेंगे, ये आपको यहाँ पर भी मिल जाता है। ये देखिए बैक सपोर्ट के लिए यहाँ पे ये मिल जाता है। और ये इस जगह चलते हैं गाड़ी के अंदर और यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो ये आपको मिल जाएंगे ORVM के कंट्रोल्स, यहाँ से मिल जाते हैं। यहाँ से हेडलाइट्स का कंट्रोल मिलेगा, ये आपको देखिए AC का वेंट्स मिल जाता है इस टाइप डिज़ाइन में। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस तरीके का व्यू आता है। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे डैशबोर्ड का लुक पूरा आपको ब्लैक कलर में मिल जाएगा, यहाँ पे स्टोरेज मिलता है, तो इस तरीके का पूरा व्यू आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे। अभी हम लोग की लगाते हैं और गाड़ी में देखते हैं तो क्या क्या देखने को मिल जाएगा इंटीरियर का लुक। तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, तो की को इंसर्ट करते हैं, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का लुक देखेंगे हम लोग वो कैसा देखने को मिलता है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये आपको मिल जाएगा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का लुक पूरा इस तरीके का, ये मिलता है यहाँ पे। यहाँ पे आपको RPM मिल जाएगा, यहाँ पे 180 किलोमीटर की मैक्सिमम स्पीड मिलती है, यहाँ पे आपको MID मिल जाती है, ट्रिप डिस्टेंस किलोमीटर सारे डिटेल्स आपको फ्यूल की यहाँ पे देखने को मिल जाएगी डिजिटली, वो देखने को मिलेगी। और यहाँ पे देख सकते हैं तो ये आपको मिल जाता है स्टेयरिंग का लुक पूरा इस तरीके का ब्लैक कलर में। यहाँ पे गोल्डन फिनिश आपको ये मिल जाएगा इस तरीके का, ये मिलता है। और यहाँ पे बटन्स मिल जाएंगे वॉल्यूम अप डाउन के, म्यूट का बटन, यहाँ पे कॉल कनेक्ट डिस्कनेक्ट मिल जाएगा, वॉइस कंट्रोल मिलता है ये। और यहाँ पे आपको देख सकते हैं ब्लैक कलर में हुंडई का लोगो मिलेगा। दो एयरबैग आपको गाड़ी में मिलेंगे, यहाँ से मोड्स के कंट्रोल मिलते हैं।
और यहाँ पे वाइपर्स के कंट्रोल मिल जाएंगे, यहाँ से लाइट्स के कंट्रोल मिल जाते हैं गाड़ी में, ये आप देख पा रहे होंगे। तो छोटी सी टच स्क्रीन आपको देखने को मिल जाती है, यहाँ से मेन्यू सेलेक्ट ऑप्शन कर सकते हैं सारे आपको देखें, एंड्रॉयड ऑटो आपको यहाँ पे, एप्पल कार प्ले, ये फीचर्स भी आपको इसमें देखने को मिलते हैं गाड़ी में। तो ये सारे फीचर्स इसमें मिल जाते हैं, टच स्क्रीन मिलता है इसमें देख पा रहे होंगे, यहाँ से आप लोग टच कर सकते हैं, इस तरीके से सेलेक्ट कर पाएंगे। तो ये सारे फीचर्स आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे गाड़ी में, पूरा आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो ये लुक आता है यहाँ पे पार्किंग लाइट की, ये बटन आपको यहाँ पे मिलेगी और ये आपको वो ट्यून करने के लिए वॉल्यूम कंट्रोल मिल जाता है यहाँ पे। और ये देख सकते हैं तीनों एसी के कंट्रोल्स यहाँ पे मिलते हैं, और इस जगह देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, चार्जिंग पॉइंट, ये आपको USB पॉइंट मिलेगा, ये मिलता है गाड़ी में पूरा देखने को। और यहाँ पे देख सकते हैं ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे स्पेस, और ये ग्लव बॉक्स ओपन करते हैं तो ये पीच कलर का आपको बड़ा सा ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है गाड़ी में, ये पूरा व्यू आएगा यहाँ पे। और अपर में देखते हैं तो यहाँ पे सन वाइज़र विद टिकट होल्डर मिलता है, और यहाँ पे आपको माइक्रोफोन कंट्रोल मिलता है, ये आप सन वाइज़र मिल जाता है, ये आपको मिल जाएगा, ये IRVM मिलता है, मैन्युअली एडजस्टेबल होगा। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे गियर बॉक्स, तो आपको 5 गियर बॉक्स मिलते हैं लेदर कवर के साथ में, ये आपको गोल्डन फिनिश मिलता है यहाँ पे इस साइड में। और यहाँ पे आपको 5 बटन देखिए मिल जाते हैं, कंट्रोल्स मिलते हैं, ये फ्रंट वाले मिरर के लिए मिल जाएंगे, फ्रंट का, रियर का, लेफ्ट साइड का और राइट साइड का, फ्रंट और रियर का दोनों कंट्रोल यहाँ पे मिलते हैं, ये मिरर लॉक का बटन इस जगह मिल जाता है। ये पूरा व्यू आता है, इंटीरियर का लुक आप लोग देख पा रहे होंगे इस तरीके का मिल जाएगा, फिक्स्ड में आपको क्रैब हैंडल मिल जाते हैं, तो ये पूरा लुक आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे इस तरीके का मिल जाता है। अब हम लोग चलेंगे यहाँ पे देख पा रहे होंगे गाड़ी में, तो यहाँ पे कप होल्डर मिलता है, ये आपको हैंडब्रेक मिल जाएगा ब्लैक बटन में इस तरीके का, और इस तरीके का पूरा व्यू आता है गाड़ी का। अब हम लोग चलते हैं बैक में और वहाँ पे देखते हैं स्पेस कितना मिलता है गाड़ी में, वो हम लोग देखेंगे, बैक वाला स्पेस चेक करते हैं यहाँ से। तो इस तरीके से इसको अभी हम क्लोज करेंगे और बैक वाले डोर को ओपन करते हैं और स्पेस देखते हैं गाड़ी में कितना मिल जाता है। तो बैक वाला डोर का लुक आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आपको मिल जाएगा पूरा डुअल डोर में मिलता है, पीच कलर का वर्क ज़्यादा मिलता है यहाँ पे, ये आपको ग्रैब हैंडल मिलता है इस तरीके का, और यहाँ पे अनलॉक का बटन मिल जाएगा ब्लैक कलर में, ये आपको बॉटल स्टोरेज यहाँ मिलेगा, स्पीकर मिल जाता है, और यहाँ पे इंटीरियर का लुक आप लोग देख सकते हैं इस तरीके का आपको मिल जाता है, बहुत ही ज़्यादा स्पेस मिलता है। यहाँ पे अंडर थाई रेस्ट जो है वो आपको बहुत ज़्यादा मिल जाता है, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ से, और हर टच में आपको सीट्स यहाँ पे देखने को मिलती हैं, इस तरीके का लुक है, फिक्स्ड हेड रेस्ट मिलते हैं। बैठ के देखते हैं गाड़ी में स्पेस देखते हैं, तो ये आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो ये अंडर थाई रेस्ट है ये बहुत ही ज़्यादा पूरा मिलता है, देखिए कवर हो जाता है, और यहाँ पे जो स्पेस है ये बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जगह AC के वेंट्स मिल जाएंगे, 2 आपको AC के वेंट्स मिलते हैं, यहाँ से आपको कंट्रोल मिलेंगे, और यहाँ पे देख सकते हैं तो ये पीच कलर में आपको इस तरीके का बैक वाला डोर भी मिलेगा। यहाँ पे आपको गाड़ी में इस जगह लैंप लाइट आपको इस जगह देखने को मिलती है। तो ये बहुत ही प्यारी सी गाड़ी आप लोग देख पा रहे होंगे, छोटी सी गाड़ी है बहुत ही प्यारी सी, और इस तरीके का पूरा व्यू आता है। अभी हम लोग चलते हैं गाड़ी का बूट चेक करते हैं, तो बूट स्पेस कितना मिलता है वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से इसको क्लोज करेंगे और गाड़ी में आगे से ही आपको बूट ओपनिंग का बटन देखने को मिल जाएगा, तो वो हम लोग देखेंगे यहाँ से देख सकते हैं। तो ये बूट यहाँ से ओपन करते हैं बैक में और चेक करते हैं बूट स्पेस कितना है, तो वो हम लोग चेक करेंगे यहाँ से देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से यहाँ से ओपन करते हैं टेलगेट को और ये पूरा ओपन हो जाता है यहाँ पे, ये आपका क्लोज्ड में यहाँ पे पूरा मिलेगा, इस तरीके का व्यू आता है। और यहाँ से देख सकते हैं ये पार्सल ट्रे आपको बहुत ही छोटी सी मिल जाती है यहाँ पे, तो खिलौने वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं। और ये आप लोग स्पेस देख पा रहे होंगे तो 200 लीटर के अराउंड आपको यहाँ पे बूट स्पेस देखने को मिल जाएगा, इतना मिल जाता है आपको, ये अच्छा खासा स्पेस मिलता है यहाँ पे, तो लगेज अच्छे खासा आप लोग कैरी कर सकते हैं, ये स्टेपनी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये पूरा व्यू आ जाता है आपको गाड़ी का, एक बार एक्सटीरियर प्रोफाइल देख लीजिए गाड़ी का, तो यहाँ से पूरा आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ से देख पा रहे होंगे, और ये आपको मिल जाता है पूरा व्यू, इस तरीके की गाड़ी हमारी दिखती है। तो अगर गाड़ी आप किसी को सजेस्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, इसी तरीके की कार वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।